स्टूडेंट्स, आई होप सो अब तक आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर, वेदर इट इज एक्सपेरिमेंटल, वेदर इज अ ग्राफिकल मेथड, वेदर इज अ हाफ लाइफ मेथड एंड व्हाटएवर, जो हमने चार मेथड, इनिशियल रेट मेथड, हमने चारों मेथड ओवरऑल कवर कर लिए, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है जेई एडवांस के ऊपर, मतलब एस टाइप के आपके प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है आने के, तो ठीक है। तो मैंने मिक्सड अप क्वेश्चन दिए, ग्राफिकल मेथड में मैंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जेई एडवांस वगैरह में ग्राफिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चंस हम इनिशियल रेट मेथड पे भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने टाइम सेविंग करने के लिए मैंने क्वेश्चंस पहले से लिख दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, आपका काम ये होगा कि आप पहले वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और उसके बाद ही आप इनका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ये मार्क एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होंगे, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड आउट द ऑर्डर, देखो 40 से 20 जब हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन जब हाफ हो रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट, ठीक है। और अगेन फिर 20 से 10, अगेन हाफ का हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, अगेन 5 से 10, मतलब 5, और अगेन 10 से 5 होने में 5 मिनट। तो आप देख रहे हो हर बार जब कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है, तो जो हाफ लाइफ है वो ऑलमोस्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है। आई बस समझ में, मतलब हाफ लाइफ जो है, जैसे कंसंट्रेशन a0 था, a0 by 2 हुआ, तो भी 5 मिनट को a0 by 2 से a0 by 4 हुआ, तो भी कितना हुआ, 5, और a0 by 4 से a0 by 8 हुआ, तो अगेन 5। तो मैं बोल सकता हूं ऑर्डर यहां पे क्या होगा, ऑर्डर होगा यहां पे फर्स्ट होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 40 से 20 आने में, मतलब हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 लग रहा है, और 10 से 20 आने में तो कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां 10 मिनट, और यहाँ इसका हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट। तो इसका मतलब है कि a0 से a0 by 2 जाने में टाइम लग रहा है t हाफ, और a0 by 2 से a0 by 4 जाने में लग रहा है twice of t हाफ, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है, फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकता, ना ही जीरो ऑर्डर हो सकता है। तो सोचिए क्या होगा, तो आपको मैंने एक मेथड बताया था कि t1 by t2 बराबर क्या होगा, a2 by a1 का पावर n माइनस 1, ठीक है। या तो आप इस मेथड से यूज करके क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो t1 by t2 आप पुट कर लो, t1 by t2 सपोज करो 5 by 15, और a2 by a1 कितना है, a2 by a1 मतलब यहां से 40 से 20 गया, 5 के लिए 20 गया, मतलब यहां पे 20 हो जाएगा, क्योंकि आप चेंज इन कंसंट्रेशन लोगे ना, मतलब स्टार्टिंग के 5 सेकंड में कितना कंसंट्रेशन घटा, 20 का कंसंट्रेशन घटा, और बाद में कितना कंसंट्रेशन घट रहा है, 10 कंसंट्रेशन घट रहा है का पावर n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है, सॉरी ये 10 होगा ना, 5 से 15 10 होगा, माय मिस्टेक, 1/10 होगा, और ये कितना होगा, 1/2, और ये 2, तो देखो 1/2 का पावर, 1/2 का पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं दिस विल बी 1 बराबर n माइनस 1, पर n का बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर मान लो, अगर क्या हो रहा हो कि हाफ लाइफ डबल हो रहा है हर हाफ कंसंट्रेशन में, तो आप बोल सकते हो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन। तो ये अपने आप में इसका यूनिक प्रॉपर्टी भी होता है सेकंड ऑर्डर का, कि जैसे कंसंट्रेशन हाफ 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 होते जाएगा, उसका हाफ लाइफ डबल होते जाएगा हमेशा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट चॉइस इज योर, ठीक है। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है। तो ये तो आप मान के चलो कि ऑर्डर या तो जीरो होगा, तो फर्स्ट होगा, तो सेकंड होगा, क्यों, क्योंकि देखो बेटा हमारे सिलेबस में जो ग्राफिकल ऑर्डर है, जो ग्राफिकल मेथड है, वो सिर्फ 0, 1, 2 के लिए ही हम पढ़ते हैं। फ्रैक्शन ऑर्डर का पहली बात तो आप ग्राफ देख के कभी बोल ही नहीं सकते कि फ्रैक्शन ऑर्डर होगा या नहीं होगा। तो आप जनरली प्रेडिक्शन क्या कर सकते हो, आप प्रेडिक्शन सिर्फ यही कर सकते हो कि 0, 1, 2 में से कोई ना कोई है। आई बात समझ में, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसका देखो मुझे पता है टी हाफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। ये तो श्योर है कि फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकते हो, क्यों, t हाफ और e नॉट का कंसंट्रेशन कैसा ग्राफ रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। तो ln t हाफ और ln a नॉट का भी ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द a नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकता, या तो जीरो ऑर्डर होगा या तो सेकंड ऑर्डर होगा। तो कोई नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। t हाफ का हटाया मैंने जब लोगों, तो k को एक मेरा कांस्टेंट आया,
प्लस के इंटू वन बाय ए नॉट का पावर एन माइनस वन, एल एन दोनों तरफ लिया था, एल एन टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, एल एन के प्लस एल एन एन माइनस, तो एन माइनस वन मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, वन माइन एल एन ए नॉट वन माइनस एन कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ऊपर लेके, तो एल एन के बराबर क्या, एल एन के प्लस क्या हो जाएगा, वन माइनस एन एल एन ए नॉट, ठीक है, ये एल एन टी हाफ के बराबर हुआ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है ये। तो आप देख रहे होगे कि स्लोप जो होगा यहाँ पे, स्लोप मेरा यहाँ पे कितना है, माइनस वन है। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, माइनस वन है, और यहाँ पे स्लोप कितना है, वन माइनस एन, तो इधर आ जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सब मेरी मैथमेटिक्स वाले आप कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये 10:45 यहाँ पे जो स्लोप होगा यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस वन की वैल्यू किसके बराबर होगी, वन माइनस एन के, यहाँ सब सेकंड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसकी बात करें तो एल एन टी हाफ और एल एन ए नॉट, तो चेक कर सकते हैं अगेन, एन माइनस सॉरी वन माइनस एन, वन माइनस एन किसके बराबर, यहाँ का स्लोप कितना होगा, वन होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फॉर रिएक्शन ए टेंड्स टू बी, थीटा टेंड्स टू टेन इनवर्स और ओए दो ये देव फाइंड रेट इक्वल टू टी जीरो पे, मतलब आपको इनिशियल रेट निकालना है आर नॉट, जिसका वैल्यू के ए नॉट का पावर एन होना चाहिए। मतलब ना तो आपको के की वैल्यू पता है, ना आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, ना ही आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता है, आपको कुछ नहीं पता है, तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ग्राफ को ऑब्जर्व करो, क्या ये एटी इनवर्स नहीं बोल सकता, ए नॉट माइनस एक्स को मैं क्या एटी इनवर्स बोल सकता हूँ, और एटी इनवर्स और टाइम का ग्राफ कौन सा होता है, देखिए याद करिए, वन बाय एटी बराबर क्या होता है, वन बाय ए नॉट प्लस के टी, ये ग्राफ कैसा रहता है, देखो सॉरी वन बाय हाँ बराबर के टी, तो ये किसका ग्राफ है, ये है सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है। तो यहां से मुझे एन की वैल्यू तो कितनी पता चल गई, टू पता चल गई, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता है वन बाय ए नॉट, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा वन बाय ए नॉट की वैल्यू होगी टू, तो इसका मतलब ए नॉट का वैल्यू कितना हो गया, ए नॉट का वैल्यू हो गया वन बाय टू, और मुझे पता है इस ग्राफ का स्लोप जो होगा, ये स्लोप क्या देगा आपको, के देगा, और मुझे पता है यहाँ पे स्लोप जो होगा वो के देगा, और यहाँ पे टेन थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू, तो k की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1 by 2, तो r बराबर क्या आ गया, 1 by 2 into 1 by 2 a नॉट का कंसंट्रेशन 1 by 2 का पावर 2, मतलब रेट क्या हो जाएगा 1 by a। तो ये भी अपने आप में क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, आपको n निकालना है, ठीक है, तो आपको ग्राफ ऑब्जर्व करना है कि कैसे निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर दिया, t हाफ दिया हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि चलो मैं अगर बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे आप क्या सोचते हो, क्या मैं इस पॉइंट पे ऐसा बोल सकता हूं कि ए बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन बी, ए और बी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, समझो बात को, ये जो टाइम है वो कितना है, 48 मिनट है, और हाफ लाइफ कितना है, 24 मिनट है, तो जस्ट ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ हुआ, मतलब ये था कि ए नोट से ए नोट बाई टू जाने के लिए 24 मिनट लग रहा है, तो अगले और 24 मिनट में कहाँ चला जाएगा, ए नोट बाई फोर पे, मतलब मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ टी हाफ में कितना कंसंट्रेशन हो जाएगा, ए नोट बाई फोर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए नोट बाई फोर कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, बी सॉरी ए बाई फोर, a by 4, a not b, a not आप जो भी, a by 4 बराबर किसके होगा, b के बराबर होगा। चलो यहाँ तक तो चीज समझ में आई, ठीक है, मुझे पता है n a tends to क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो t equal to 0 पे क्या मैं concentration a मान सकता हूँ, ये 0 हो जाएगा, concentration क्या हो जाएगा, a not मान लेता हूँ, चलो initial पे a not हो जाएगा, और time equal to 48 पे क्या लिख सकता हूँ, a not minus nx, और ये क्या form होगा, x form होगा, यही तो करते हैं, अगर ये 2a रहता तो a नॉट माइनस 2x लिखते थे, यहाँ x लिखते थे, यहाँ n है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होगा, तो a नॉट माइनस nx लिखा, यहाँ पे x लिखा मैंने, अब क्या ये a नॉट माइनस nx को मैं
एक्स के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि देखिए 48 मिनट पे ए और बी का कंसंट्रेशन क्या है मेरा सेम है, ए और बी का कंसंट्रेशन क्या है मेरा सेम है, ठीक है। अब समझो बात को थोड़ा कि अब क्या कर सकते हैं हम, यहां सब थोड़ा आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या ए नॉट माइनस एन एक्स, क्या ए नॉट माइनस एन एक्स जो होगा वो ए नॉट बाय फोर के बराबर होगा, क्योंकि इस टाइम पे टोटल कंसंट्रेशन ए नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट बाय फोर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्या x को मैं a नॉट बाय 4 के बराबर, क्योंकि ये कुछ नहीं है तो कंसंट्रेशन ऑफ b ना एट 48 मिनट, तो क्या इसको मैं x को क्या लिख सकता हूं, a नॉट बाय 4 लिख सकता हूं, क्या x को मैं a नॉट बाय 4 लिख सकता हूं, तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, x की जगह पुट करूंगा मैं, चलो इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे समझो, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस 48 पॉइंट पे a नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जा रही थी, a नॉट बाय 4 की, और वो किसके बराबर था, b के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो b के बराबर है, तो x की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, a नॉट बाय 4 कर सकता हूँ, x की वैल्यू a नॉट बाय 4 कर सकता हूँ, तो हर जगह पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a नॉट माइनस n a नॉट बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट बाय 4, a not cancel, तो 1 minus n by 4 equal to 1 by 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, इधर चला 1 minus 1 by 4 बराबर क्या हो जाएगा n by 4, तो 3 by 4 बराबर क्या हो जाएगा n by 4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। मैथमेटिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन था, आई होप सो ये आपने कर लिया होगा, नहीं भी कर लिया होगा तो थोड़ा आपको बस क्या लगाना था, दिमाग लगाना था, ठीक है इसमें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखूंगा वो आपको होमवर्क का आपको मुझे आंसर बताना है सॉल्व करने के बाद, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्वेश्चन है, ए ए प्लस बी बी टेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हुआ ए का बी का और वो रेट मिलता है मुझे इस तरीके से, ठीक है, सीरियल नंबर। तो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, ए नॉट 0.1 लिया, इसको 0.1 लिया तो ये 0.001 हुआ, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो ये 0.1 हुआ, ये 0.2 हुआ तो ये 0.004 हुआ। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो ये 0.2 हुआ, ये 0.1 हुआ तो ये 0.002 हुआ। फोर्थ हुआ 0.2 लिया, इसको 0.2 लिया और ये 0.008 हुआ, ठीक है। फाइंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एंड ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया हुआ ही है, तो आप ये क्वेश्चन होमवर्क करिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वन, कोई कॉम्प्लेक्स है वन, एच प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है, एच प्लस के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स टू बना रहा है, कॉम्प्लेक्स टू बना रहा है, फ्लोराइड आयन दे रहा, ठीक है। रेट जो है मेरा, रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, के कॉम्प्लेक्स वन का पावर ए और एच प्लस का पावर बी। क्या बोल रहा है, एच प्लस डज नॉट changes during the reaction, does not changes during the reaction, does not changes during the reaction, ठीक है। और उसमें टेबल क्या दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है, एच प्लस हाफ लाइफ 3/4, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट जब ये 0.1 था, ये 0.01 था, तो
तो ये हाफ लाइफ वन था मिनट में ये, ओके ये भी किस में, मिनट में, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। ये 0.2 था, 0.2, 0.02 था, तो ये 0.5 था और 1 था, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। देखो बहुत सारे, अगर देखो कल मेरे से मिस्टेक हो गई तो मैंने बोल दिया कि अगर कोई चीज़ एक्सेस में ले लिया तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। हर केस में जीरो ऑर्डर आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि वो कांस्टेंट होगा, वो जीरो ऑर्डर होगा नहीं होगा वो डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जब क्वेश्चन मैंने कल देखा था तो थोड़ा मेरे को मतलब मैं समझ में आया कि हमेशा जो चीज़ हम एक्सेस में लेते हैं तो उसको हम जीरो ऑर्डर कभी भी नहीं ले सकते। हाँ ये बोल सकते हो कि जो चीज़ मतलब किसी का कंसंट्रेशन रिएक्शन के साथ चेंज नहीं कर रहा है, किसी का कंसंट्रेशन अगर रिएक्शन के साथ चेंज नहीं करा तो वो कांस्टेंट कहलाता है, बट उसका खुद का क्या ऑर्डर होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम उसको ऐसा कांस्टेंट ले सकते हैं। अगर वो 3 होगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो हो सकता है ऑर्डर मेरा सेकंड हो थर्ड, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तक वर्ड एक्सेस ना दिया जाए तब तक आप जीरो मत लीजिए, और अगर क्वेश्चन में दिया है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है तो जीरो बिल्कुल नहीं रहा। हाँ भले एक बार ये मान सकते हो कि अगर बहुत चीज ज्यादा एक्सेस में है तो आप उसको जीरो मान सकते हो, अगर वर्ड एक्सेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा रिएक्शन के साथ तो आप जीरो ऑर्डर नहीं ले सकते उसको, हो सकता है उसको खुद का ऑर्डर फर्स्ट या सेकंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में वर्ड अगर एक्सेस लिखा हुआ कि किसी कोई चीज आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में ले ली है तो आप उसको जीरो मान सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा कि उसका कंसंट्रेशन रिएक्शन के साथ चेंज नहीं कर रहा तब आप उसको जीरो नहीं मान सकते हो, ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अगर बात करता हूँ इस केस में, ठीक है, इस केस में देखो H प्लस को रेट बराबर मेरा क्या है, रेट बराबर है के कॉम्प्लेक्स 1 और H प्लस का पावर बी, ठीक है। इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, एक अलग कांस्टेंट बनाएगा जिसको मैं मानता हूँ k डैश किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस का पावर बी, जो सूडो ऑर्डर में मैंने आपको स्टेप बताया, तो रेट का अब नया एक्सप्रेशन क्या होगा, k डैश कॉम्प्लेक्स 1 का पावर ए। हाँ लेकिन अभी भी मुझे इन्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर को मुझे चेक करना पड़ेगा, देखो क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा तो H प्लस का सारा मैं चीज भूल जाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं H प्लस। अब मैं देखूंगा कॉम्प्लेक्स, जब 0.1 कंसंट्रेशन था तो T हाफ था 1 और T 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 3/4 उतना पार्ट रिएक्ट कर चुका था, बचा आपके पास कितना, इतना। तो देख लेते 0.1 से 0.05 जाने के लिए उसको 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, और 0.1 से T 3/4 कितने टाइम में जा रहा है, T 3/4 जा रहा है 0.025, मतलब अगले 2 मिनट में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 0.05 अगले 1 मिनट में गया होगा 0.025, तो क्या आपको कैसा दिख रहा है, हर बार जो कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है वो इक्वल टाइम इक्वल हाफ लाइफ में हो रहा है, इक्वल हाफ टाइम में हो रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, हर बार हाफ लाइफ कितना आ रहा, 1 मिनट ही आएगा, चल फिर 0.025 से और आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, फिर अगेन 1 मिनट ही आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ एक का तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये जो होगा ये के डैश फर्स्ट ऑर्डर का होगा, तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ होगा 0.693/k मैं ये लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे ए की वैल्यू तो पता चले, लेकिन बी का वैल्यू अभी भी निकालना है ना, ये मत सोच रहे बी जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसने एक्सेस में बोला है, लेकिन कहीं किसी पॉइंट में अगर मैं बोलूं भैया एट टाइम t=1 या t=2 पे रेट निकालो तो फॉर्मूला तो आप यही यूज करोगे ना, इसका मतलब रेट कहीं ना कहीं एच प्लस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इसका कुछ तो ऑर्डर होगा, जीरो नहीं होगा। अगर एक्सेस में बोलता तो इसको हम जीरो मान सकते थे, बहुत एक्सेस में है ये चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन कहीं तब हम भले बोल सकते क्वेश्चन में दिया जीरो मानना तो मान सकते हो, लेकिन अपने मन से मान सकते, लेकिन जब बोलना कंसंट्रेशन डज नॉट चेंजेस विद द रिएक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको निकालने के लिए आप इसको कांस्टेंट रख रहे हो तो आपको ये वैल्यू मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जीरो हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्सप्रेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो केवल हो जाएगा। चलो पहले टी हाफ आपका क्या होता है, 1 मिनट था 0.693, के डैश को क्या लिख सकता हूं, के डैश को मैं लिख सकता हूं के इनटू H प्लस का पावर B, तो जब 1 मिनट था हाफ लाइफ, ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था, K इंटू 0.01 का पावर B, और जब 0.5 था हाफ
अप्लाई, तो 0.693 डिवाइडेड बाय के इनटू 0.02 का पावर बी। 0.693 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो अगेन बी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 1। तो अगेन समझ रहे हो ये जीरो ऑर्डर नहीं है। आई बात समझ में? ओके, कोई डाउट यहां तक? चले ठीक है। तो ये चीज आपको मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था पिछले क्लास मतलब प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है। तो प्लीज इन सब चीजों का बात ध्यान रखें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप के एडवांस के प्रॉब्लम आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए नरेंद्र।